আমি আমি নেই अब्दुल अब्दुल तुमने सकरम को देखा मतलब अरे मतलब सकरम जगह पे नहीं है गायब हो गया कंपाउंड में से कोई उसे लेकर गया कौन लेके गया मुझे नहीं मालूम अब्दुल तुमने किसी को सकरम को यहाँ से लेकर जाते हुए देखा नहीं लेकिन भिड़े भाई आप तो रात भर जागने वाले थे सकरम पे नजर रखने के लिए अरे नहीं जाग पाया अब्दुल नहीं जाग पाया उसी का फायदा उठाया उसने तेरा सकरम शायद पीछे की तरफ होगा वहां देखता हूँ सकरम बेचारे भिड़े भाई कितने दुखी हो गए हैं पर ऐसे कैसे सकरम गायब हो सकता है आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना मुझे तो भिड़े भाई की हालत देख के बहुत टेंशन हो रहा है नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए बबीता जी मिल जाएगा सकरम यही कहीं होगा अपन सबको मिलकर सकरम को ढूंढना तो पड़ेगा बाबा वो ढूंढने की जरूरत नहीं है हमको तो पता है मेरा सकरम कहीं भी नहीं है पीछे की तरफ भी नहीं है मेरा सकरम गायब हो गया है कुड़े गया सकरम पिड़ो शांति रख यार अरे क्या शांति रखू अभी भी शांति रखो सुड़ी अभी भी शांति रखू मैं मैंने कल ही सबको बताया था कि परसों रात को मेरे सकरम को कोई लेकर गया था बताया था कि नहीं बताया था कहा था कि नहीं कहा था मैंने कहा तो था भिड़े मास्टर सकरम के किलोमीटर का आंकड़ा बढ़ गया है पेट्रोल कम हुआ है ये भी कहा था कि नहीं कहा था ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने नहीं नहीं तो बताई थी भिड़े लेकिन अरे लेकिन क्या मेहता साहब लेकिन क्या आप सबको मैंने बोला था लेकिन आप सबने मेरा मजाक उड़ाया मेरी बात को सीरियसली अगर लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती ना पर जेठालाल तुमने क्या बोला था ये मेरा भ्रम है भ्रम मुझे सपना आया होगा सॉरी भिड़े लेकिन कल मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि ये तेरा भ्रम है क्योंकि चालू सोसाइटी में से कोई सकरम को कैसे ले जा सकता है चालू सोसाइटी चालू मतलब सोसाइटी हमारी बंद नहीं है ना मतलब जीवती जागती है जहाँ लोग रहते हैं तो ऐसी सोसाइटी में से कोई सकरम को कैसे ले जा सकता है लेके जा सकते हैं कि जेठाला लेकर गया है देखो सकरम जगह पे नहीं है सकरम गायब हो गया है लेकिन भिड़े भाई ऐसे कैसे कोई अपने सखारम को सोसाइटी में से लेकर जा सकता है मुझे लगता है जो भी हुआ है वो रात को हुआ है अर्धी रात को ही कोई सखारम को ले गया है हाँ पर ऐसा कौन कर सकता है कब आया होगा कब गया होगा किसी का तो ध्यान गया होगा ना सॉरी मेरे दोस्त अब कहा गया तेरा जोश कहा गया तेरा जज्बा तू ही तो कहता है ना कि अपनी गोकुल सोसाइटी सबसे बेस्ट है हमारी मर्जी के बगैर हमारे सोसाइटी में से कोई एक कंकड़ नहीं हिला सकता आज इसी सोसाइटी में से सकरम गायब हो गया है और तू चुपचाप खड़ा है बोल सोड़ी बोल बोल की बोलूं की करूं पिड़ो सच कहूं तो सोड़ी नहीं सोड़ी यारो मैंनु बताने दो सोड़ी मेरे ख्याल से सकरम फंस गए तो हो गया तो हो गया तेरा सकरम सकरम इसका तो हो गया तो हो गया सकरम तो हो गया हो गया तो हो गया तो हो गया तो हो गया हो गया
कुछ भी बोल रहे हो आप लोग। सकरम को सोसाइटी में से टोक कोई कैसे कर सकता है? छोटी समझा। हाँ जी डब्बा। फिरो और टो करने के लिए ना एक स्पेशल व्हीकल होता है, उसके अंदर एक हुक लगा होता है, वो हुक से गड्डी को जोड़ देते हैं और फिर टो करके ले जाते हैं। अरे ते कर रे बाबा, लेकिन कोई क्यों करेगा सकरम को टो? ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं जी, वो कहीं से कुछ भी टो करके ले जा सकते हैं जी। रोशन ऐसे सोसाइटी से भी टो करके ले जा सकते हैं? वो रोशन डार्लिंग, इसलिए तो मैं अपनी जीप सोसाइटी कंपाउंड में पार्क नहीं करता हूँ। वेरी गुड। एक मिनट सोड़ी भाई, ये अपनी सोसाइटी है, आम रास्ता थोड़ी ना है। टोइंग वाले ऐसे ही थोड़ी कोई गाड़ी टो करके लेके जा सकते हैं। नहीं तक है। हाँ, और ये हमारी सोसाइटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस तरह से कोई टो करके लिए नहीं जा सकते, इलीगल। नहीं नहीं, बराबर बबीता जी बराबर बोल रहे हैं छोटे। इधर से तो स्कूटर टो करके नहीं ले जा सकते, टोका रहने दे। ओके जी। मैं क्या कहता हूँ भिड़े? तुम तो कुछ बोलो ही मत जेठालाल। तो जब मैंने बोला था कि मेरे सखरम को कोई लेकर गया था, तो तुमने क्या बोला था? क्या बोला था तुमने? क्या कहा था? खड़े खड़े सखरम को कंटाला आ गया होगा, इसलिए वो घूमने चला गया होगा। तो आज कहाँ गया घूमने सखरम? चौपाटी गेट ऑफ इंडिया, बोलो ना कहाँ गया घूमने? ऐसे मजाक मत कर भिड़े, मैं जो कह रहा था बराबर सोच समझ के कह रहा था। भाई आज के जमाने में विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, उधर फॉरेन में तो नहीं है बिना ड्राइवर के गाड़ियां निकली है, जो अपने आप चलती है, वो पार्किंग भी अपने आप कर देती है, वो गाड़ी का मालिक बाजू में बैठा होता है ऐसे अखबार पढ़ते हुए। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है ये? अरे कुछ भी क्या भिड़े, वो इंग्लिश पिक्चर नहीं आई थी और ट्रांसमोटर, उसमें वो गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है और आदमी जैसा रोबोट बन जाती है, मारामारी करती है, फिर वापस गाड़ी बन के निकल जाती है। तो ऐसे तेरे सखरम के साथ सोसाइटी में एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। यार भाई आए सखरम, कहाँ छुपा के रखा है? सखरम के मालिक के परवानगी के बगैर छुप छुप के उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, रोज रात को लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, तो रोज तो सुबह लेके छोड़ देते हैं, आज क्यों नहीं लाए? क्या हो गया उसके साथ? क्या वो पूरी तरह टूट फूट गया है इसलिए गैरेज में रिपेयरिंग करने के लिए रखा है? बोलिए कब से चल रहा है ये गोरख धंधा? जाने नहीं, क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अब्दुल ये ऐसा क्यों देखते हैं मेरे को? देखो आत्मराम, तुम ये जेट वाला की बात में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मैं जानता हूँ भाई अय्यर। अच्छा चलो, आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर तो एक ही चीज हो सकती है भिड़े तेरे सखाराम के साथ। क्या? मुझे लगता है कि कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई है और वो उसे यहाँ से लेके गई है। वो पन टाइचे रोशन? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जयदलाल तुम कुछ भी बोलता है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे क्या ऐसा थोड़ी होता है, वो एक हिंदी पिक्चर नहीं आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो गाड़ी वो अपनी हेडलाइट आंखों की जैसे ऐसे पटपटाती है, फिर उसके अंदर वो हीरो की आत्मा घुस जाती है, फिर तो वो जोरदार ऐसे बदला लेती है, तो एंड में सब विलन को मार डालती है। जयदलाल जो तुम बोलता है ना कि वो स्कूटर में आत्मा आ गया होगा, वो पॉसिबल नहीं है। अभी आत्मा राम का स्कूटर है तो क्या उसमें आत्मा आ जाएगा? नो नो इल्ले इल्ले नो नो नो। अरे अय्यर भाई, दुनिया में ऐसे कई सवाल है जिसके हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। जयदलाल, साइंस के पास हर सवाल का जवाब है। अच्छा
तो बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे काय चल रहे याचो? बोलो बोलो बोलो, आपके शायन के पास तो हर सवाल का जवाब है ना, तो बोलो। देखो जैसलाल, ये तुम्हारे सवाल का कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों मतलब क्यों नहीं है? दोनों का अस्तित्व तो है ही ना, अंडा भी है मुर्गी भी है। तो फिर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्या बात हुई? भिड़े मेरी बात मान, तेरे सखारम में जरूर कोई आत्मा घुस गई है, वो निकल जाएगी तो सखारम अपने आप यहाँ आ जाएगा। अरे बस जेठालाल बस, अरे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो कब से? कौन से एग्जांपल दे रहे हो? इस पिक्चर में ऐसा हुआ, उस पिक्चर में वैसा हुआ। मेहता साहब आप समझाइए इसे, क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं कब से ये? नहीं वो ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा है भिड़े, वो जेठालाल तो है, वो सखारम कहाँ जा सकता है ये संभावना है बता रहा है ना जेठालाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आखिर सखारम मेरा भी तो भतीजा है। हाँ और ये जो संभावना है ये सखारम से उसके प्यार का नतीजा है। तो हाँ तो समझाइए चाचा जी को, संभावना ऐसी बताए जो हो सके, बिना सर पैर वाली बात ना करे। क्या पे मेरा सखारम गायब हुआ है? सखारम मिलने आए से मजा सूझ रहा है? अरे मास्टर देखो, इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। हाँ भिड़े भाई शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। देखो भिड़े मास्टर, ऐसे कठिन समय में इंसान को अपने आप को संभालना चाहिए, वरना मानसिक संतुलन हिल सकता है। आती भाई बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे हैं आप, आराम से धीरे धीरे बोलिए, बहुत टाइम है हमारे पास, बोलिए। मुझे जो बोलना था वो तो बोल दिया। अरे भाई और क्या क्या बीमारियां हो सकती है बताइए ना, क्या क्या हो सकता है? सारी बीमारियों की जड़ तनाव है, क्योंकि स्ट्रेस से। आती भाई मैं शांत हो गया हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई भिड़े देख तो शांत हो जा, थोड़ा सबर कर। मेरा मन कहता है कि सखारम अपने आप सोसाइटी में आ जाएगा। एक मिनट, हो सकता है कि सखारम को गायब करके कोई भिड़े भाई के साथ मजाक कर रहा हो। सही सही कह रहे बबीता जी आप, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात की आपने। ऐसा ही होगा, किसी ने भिड़े के साथ मजाक ही किया होगा। नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा मजाक कौन कर सकता है? और ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा? मुझे मजाक तो मजाक ही होता है जेठा ब्रो। हाँ। रोशन ऐसा मजाक करेगा कौन? यहाँ से मुझे एक स्टोरी कवर करने भी जाना है, शायद कल दोपहर तक आ जाऊंगा। सच कहूं तो आज की तारीख में ऐसा मजाक तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन बोलो जेठालाल, कौन? कौन? पोपटलाल। जेठालाल हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, पोपटलाल नहीं किया है ये, पोपटलाल ही स्कूटर लेके गया है, मतलब सखारम लेके गया है। हम सब यहाँ पर हैं, बस पोपू ही नहीं है। हाँ? और पिड़ू का सखारम पोपू ही लेके गया। सही बात है, पोपटलाल ही लेके गया होगा सखारम को। अरे लेकिन हाथी भाई, पोपटलाल बिना मुझे पूछे सखारम को हाथ क्यों लगाएगा? अरे बबीता जी ने बोला ना मजाक, मजाक करने के लिए। मजाक रबीता ने बोला वो बराबर है, लेकिन जेठालाल तुम्हारे पास में इसका क्या सबूत है कि पोपटलाल ही सखारम को लेकर गया है? अभी यार भाई तो अभी साइंस के बदले अभी वकील हो गए, सबूत मांग रहे हैं मतलब सब। अरे क्या कर रहे हो यार अय्यर? हाँ अय्यर भाई आप एक पैर हो, या तो साइंस गिरी करो या वकील गिरी करो, ऐसा दोनों बाजू ऐसा पैर मत रखो। जेठालाल मैंने क्या वकीलगिरी किया? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। आता सबूत कौन मांगता है मेहता साहब, वकील ही मांगता है ना। और कौन मांगता है, वकील ही मांगता है। देखो मेहता साहब भी बोल रहे हैं। मेहता साहब या जज है जो तुम हर बात उनसे पूछते हो? नहीं नहीं अय्यर भाई,
मैं जज नहीं हूँ, मैं अपने व्यवसाय में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैं आपकी तरह कंफ्यूज नहीं हूँ कि साइंटिस्ट है या वकील है। तो मैंने कब बोला कि मैं वकील है? ये तो जयदलाल बोल रहा है। अब आप सबूत मांगेंगे तो मैं तो बोलूंगा ही ना। हाँ, अरे पोपटलाल सखराम को लेकर नहीं गया है भाई, वो ऐसा मजाक कर ही नहीं सकता। ठीक है भिड़े मास्टर, कि माना पोपटलाल ने मजाक नहीं किया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रात को उसको अर्जेंट प्रेस जाना हो और वो लेके गया हो। हाँ हो सकता है। अरे यही हुआ होगा। और भिड़े, आधी रात को तुम्हें नींद से जगा के वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा, इसलिए चुपचाप स्कूटर ले गया होगा। बराबर। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब हाथी भाई बोल रहे, मेहता साहब बोल रहे, छोटी भाई बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, सोसाइटी का पूरा मोवड़ी मंडल बोल रहा है, तो हम सब गलत और आप अकेले सही। हा? ये क्या बात हुई? लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि पोपटलाल ने तकराम को बिना जाबिते कैसे चालू किया? उंगली से। यार भाई क्या बोल रहे हैं आप यार? अरे उंगली से कोई कैसे स्कूटर चालू कर सकता है? Exactly. मैं भी वही बोल रहा हूँ कि पोपटलाल बिना चाबी के सकाराम को लेकर कैसे गया? डुप्लीकेट चाबी से। पोपटलाल ने डुप्लीकेट चाबी बना कर रखी होगी। बिल्कुल सही कहा जेठा ब्रा। क्या पोपटलाल ने सकाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? हाँ, अरे बच्चे बनवा सकते तो क्या पोपटलाल नहीं बनवा सकता? क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्या क्या बोला है जेठालाल भाई? वाह, क्या क्या पॉइंट निकाल के लेके आए हो कि ये जो डुप्लीकेट चाबी बनवाना है ना भिड़ा, आजकल ये बच्चों का काम है, बच्चे बनवा लेते हैं। और पोपटलाल तो तेरा मतलब वो कभी कभी क्राइम रिपोर्टिंग करता है ना, तो उसको तो ये सब चीज पता ही होंगी। बराबर है। और इस तरह की रिपोर्टिंग करते करते हो सकता है उसका दिमाग उस तरफ थोड़ा झुक गया हो। हाँ, सही बात है, वो बुड़बकी लेके गया है सकाराम को। अरे बहुत मजाक बना लिया पप्पू ने, ओ हमने उसको अपने परिवार का सदस्य बना के रखा हुआ है, इतना उसको प्यार दिखाते और वो सर पे चढ़ी जा रहा। आंदे इस पप्पू नो पिड़ू अनु ते मैं छोड़ वाली नहीं स्टोरी। तू पोपटलाल को हाथ भी नहीं लगेगा। पोपटलाल को मैं नहीं छोड़ूंगा, आने दो उसे। उसकी इतनी हिम्मत? आने दो उसे, उसकी छतरी फाड़ दूंगा मैं। आत्मा राम, कूल डाउन। देखो मैं क्या बोलता है, एक बार पोपटलाल को फोन करके कंफर्म कर लो कि वो सकाराम को लेकर गया है कि नहीं। लेकिन मेरा फोन तो घर पे है। मैं देता हूँ, रुको। अय्यर भाई रुक जाओ। क्या हुआ? आप फोन नहीं लगाएंगे? क्यों? अरे आप उसको ठीक से डांट नहीं पाएंगे अय्यर भाई, है ना मेहता साहब? हाँ हाँ बिल्कुल जेठालाल। हाँ, अरे ये आप दोनों तो सी विंग के विंग बंधु है ना, तो कैसे डांटेंगे, प्यार जाग जाएगा आपका। हाँ, इसलिए मैं उसको अभी फोन लगाता हूँ और ऐसी खरी खोटी सुनाता हूँ कि वो जहाँ भी होगा वहां से सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएगा। और भिड़े एक बार इधर आ जाए ना, उसको जोर से दबोच लेना, उसको कुछ बोलने मत देना। हाँ। फिर हम लोग देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल देख लेंगे। पिड़ू चिंता ना कर। किसे फोन लगाऊं? अरे हाँ, भिड़े का फोन तो घर पे ही है, उसके फोन पे फोन लगाता हूँ। अरे उठा फोन उठा। अरे घंटी बज रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं से अंदाजा तो नहीं आ गया हम उसे क्यों फोन कर रहे? अरे अय्यर भाई ने उसको मैसेज करके बता दिया।
कोई मैसेज नहीं किया है, ये लो मेरा फोन देख लो, ये जेठालाल कुछ भी बोलते हैं। अरे तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे स्कूटर चला रहा होगा ना जेठालाल, फोन कैसे उठाएगा स्कूटर चलाते हुए? बराबर, हाँ एकदम बराबर, स्कूटर चला रहा होगा, वाह वो बराबर, हो हेलमेट है, हेलमेट है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना, ये बात समझ में आ गई है कि पोपटलाल ही स्कूटर लेके गया है, इसलिए बिल्कुल चिंता छोड़ दो, तुम्हारा स्कूटर सही सलामत है, जैसे ही पोपटलाल सोसाइटी में आएगा स्कूटर भी आ जाएगा। सही बात है। ओ वैसे भी पोपो दोपहर तक तो आने ही वाला है। छोटे तुझे पता है पोपटलाल दोपहर तक आ रहा है? कंफर्म तो नहीं पता है जेठा ब्रो, सॉरी। वो क्या है ना, सुबह बीत चुकी है, दोपहर आने वाली है, अब आएगा तो दोपहर को ही आएगा ना, फिर दोपहर बीत जाएगी, शाम आ जाएगी। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस बस छोटी, बराबर बस। पर बिरू, एक गल का ध्यान रखी, जैसे ही पप्पू आएगा ना असि उन्नू छड़ांगे नहीं। हां आने दे, आने दे, आज उसकी खैर नहीं है, हर बार उसे माफ कर देता हूँ, ये सोच के बेचारा अकेला है, शादी नहीं हुई है, लेकिन आज नहीं, आज मैं उसे माफ नहीं करूंगा, साफ करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से सारा दोष हमने पोपटलाल के सर मट दिया, भिड़े के दिल दिमाग में बात बिठा दी है कि गलती पोपटलाल की, सखाराम के गायब होने के पीछे कोई और नहीं, पोपटलाल ही है, पोपटलाल ने मजाक किया, दोषी पोपटलाल है। पर आपको क्या लगता है, क्या हमने ये ठीक किया? लेकिन इंसानी फितरत यही है, जब हम सच नहीं बोल पाते, सच का सामना नहीं कर पाते, तो हम गलती दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, जब किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसकी ओर होती है लेकिन बाकी उंगलियां हमारी होती है। इस वक्त मैं, जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी ये सोच रहे हैं कि भिड़े के दिमाग में सखाराम को लेकर जो चिंता है उसमें ब्रेक लग गया, लेकिन ये गोकुलधाम है, होगा बिल्कुल उल्टा, परिस्थिति का एक्सीलरेटर ऐसा दबेगा कि बात किसी और ही मोड़ पे पहुंच जाएगी। गोकुलधाम में कब परिस्थिति बेकाबू हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं मैं इस वक्त यहां जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।